डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 6 दिसंबर 2019 और हमारा जो एपिसोड नंबर है ये है एपिसोड नंबर 496। अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस हमारे चैनल्स हैं, अगर आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ ये हमारी वेबसाइट्स हैं ssccgl.pinnacle.com और baljitdhaka.com, इन्हें भी आप विजिट करें। और रोज सुबह 4 बजे ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है, इसको आप जरूर देखें। शुरुआत करते हैं, यहां पर देखिए ये प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है कि गूगल की मूल कंपनी जो है अल्फाबेट, उसके नए सीईओ कौन बने हैं, और यहां पे आंसर है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई यहां पर राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वीराज सिंह रूपून, इनको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो मॉरिशियस है। तो ये दो प्रश्न थे प्रीवियस क्विज के, आप में से सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। इसी तरह से प्रयास जारी रहे। आज का पहला प्रश्न देखो, भारत ने हाल ही में किस देश को तट रक्षक जहाज कामयाब उपहार में दिया है, और ये उपहार में दिया गया है मालदीव को। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद साले, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालदीव में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को संयुक्त रूप से उन्होंने उद्घाटन किया है, और भारत में निर्मित तटरक्षक जहाज जिसका नाम है कामयाब, उसको उपहार के तौर पर मालदीव को दिया गया। रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, LED लाइटों का उपयोग कर माले को रोशन करना और विकास परियोजनाएं लॉन्च करना इनमें शामिल है। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में, पहला प्रश्न था। और ये देखिए यहां पर मैं आपको हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर भी दिखा रही हूं। चलिए अब मालदीव कहां पर है ये देखिए, ये आपको मैप में दिखा देते हैं। अगर आप भारत के दक्षिण में देखते हैं, यहां पर आपको नजर आएगा कैपिटल माले है, और मालदीवियन रुफिया जो है वो यहां पर करेंसी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वीडिश किंग कार्ल गुस्ताफ और रानी सिल्विया जो हैं, उन्होंने कितने भारतीयों को शीर्ष शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और आंसर है यहां पर 7। 7 राइट आंसर होगा। 7 भारतीयों और एक भूटानी महिला को भारत स्वीडिश व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में अपने कार्य के लिए शीर्ष शाही सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार जो है स्वीडिश और विदेशी नागरिकों के लिए कर्तव्य के प्रति संपूर्ण विज्ञान साहित्यिक नए लाभकारी संस्थानों और नए उपयोगी कार्यों के लिए ये दिया जाता है, और पुरस्कार पाने वालों में एक भूटानी नागरिक जिनका नाम है फुब जाम भी शामिल थी। तो अब जो है मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखाती हूं, ये देखिए यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, और साथ ही साथ कहां पर है स्वीडन मैप में देखते हैं, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये फिनलैंड है। अगर आप यूरोप के नॉर्थ में देखेंगे तो ये तीनों कंट्रीज हैं, और ये तीनों कंट्रीज जो हैं बहुत ही प्रोग्रेसिव और वेल डेवलप्ड कंट्रीज, स्कैवेंडेनियन कंट्रीज इनको कहा जाता है। यहां पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन नोबेल प्राइज के लिए जाना गया है, और करेंसी है यहां पर स्वीडिश कोरोना। अगला प्रश्न ये है कि पीटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, और आंसर इसके लिए हमारा क्या होगा, इसके लिए आंसर जो है हमारा वो डी होगा। डी हमारा राइट आंसर है, जोक्विन फेनिक्स, ये हमारा आंसर होगा। आंसर यहां पर जो है वो डी है। अब जोक्विन फिनिक्स जो है ये अमरीकी अभिनेता है, इनको पीटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। जोक्विन फिनिक्स जो है लंबे समय तक पीटा के समर्थक रहे हैं, मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये इनकी तस्वीर है। हाल ही में पीटा के एक विज्ञापन में हम सभी जानवर हैं शीर्षक के साथ ये दिखाई दिए हैं, जिसे टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शित किया गया था। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। अब मैं आपको ले चलती हूं अगले प्रश्न पर।
यहां पर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत जो है वो पांचवें स्थान पर है, सी हमारा राइट आंसर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में भारत जो है वो पांचवा सबसे कमजोर देश है। ग्लोबल थिंक रिस्क इंडेक्स 2020 पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसने 181 देशों का आकलन किया है और सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में जो जापान है वो नंबर वन पोजिशन पर है। जापान के बाद फिर फिलीपींस है, जर्मनी है, मेडागास्कर है और फिर भारत है। ये हमारा प्रश्न चार था और ये देखिए आप इससे संबंधित तस्वीर जो है यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये रैंकिंग्स 2018। अगला प्रश्न देखो, स्विट्जरलैंड सरकार ने किस टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में एक सिक्का लॉन्च किया है, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न पांच है ये, और आंसर है रॉजर फेडरर। हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि काफी उम्र होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं रॉजर फेडरर। स्विट्जरलैंड सरकार ने रॉजर फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का लॉन्च किया है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, देखिए सिक्का भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉजर फेडरर को। आपको बता दूं कि फेडरर ऐसे पहले जीवित व्यक्ति हैं जिनके सम्मान में सिक्का जारी हुआ है। फेडरर के बैकहैंड करते हुए फोटो वाले 55,000 सिक्के बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद भी वहां पर जो स्विस मिंट है 35 फ्रैंक वाले 40,000, जो वहां पर स्विस मिंट है वो 50 फ्रैंक वाले 40,000 गोल्ड कॉइन मई में जारी करेगा। और फेडरर के अचीवमेंट्स में ये आता है कि वो 20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं। तो यहां पर आप रॉजर फेडरर की तस्वीर देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं रॉजर फेडरर। बात हुई है स्विट्जरलैंड की, बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में आपको स्विट्जरलैंड दिखाया है, तो आज आप मुझे स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला प्रश्न, भारत में सशक्त सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। आंसर यहां पर क्या है, आंसर यहां पर 7 दिसंबर है। भारत वर्ष में झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से भारतीय सेना द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य देशवासियों द्वारा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है और शुरुआत में इसे झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1993 से इसे सशक्त सेना झंडा दिवस के रूप में दिया गया है। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं दिवस की, तो मैं कुछ फटाफट आपके साथ डेज जो है इंपॉर्टेंट डेज वो रिवाइज करवा देती हूं। 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड दिवस। उसके बाद 2 दिसंबर जो होता है उस दिन मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। विकलांग व्यक्तियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो होता है 3 दिसंबर को। भारत में हमने हाल ही में नौसेना दिवस मनाया था 4 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न 6 था। और सशक्त सेना झंडा दिवस आप देख रहे हैं यहां पर कब मनता है, ये 7 दिसंबर को। ये लीजिए यहां पर आप तस्वीर देखिए और याद रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, UNCTAD के अनुसार बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है। भारत की जो रैंक है वो 73rd है, आंसर यहां पर हमारा बी होगा। ओके, UNCTAD क्या है, ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर B2C क्या है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है ये। ओके, ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जो है 152 कंट्रीज में 152 देशों में 73rd पोजीशन पर है। यह इंडेक्स ऑनलाइन खरीदारी का समर्थन करने के लिए अर्थव्यवस्था की तैयारियों को मापता है और लगातार दूसरे वर्ष नेदरलैंड जो है वो इस सूचकांक में नंबर वन पोजीशन पर है। नेदरलैंड नंबर वन, फिर स्विट्जरलैंड है और उसके बाद जो है उसके बाद हमारा सिंगापुर है।
किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में BWF 2019 की शीर्ष 30 सूची में प्रवेश किया है? ये हमारा प्रश्न है और आंसर है यहाँ पर सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा की तस्वीर देखिए, ये है सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा जो है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2019 की शीर्ष 30 सूची में शामिल हो गए हैं। इन्होंने वहां पर 30 में है ये, तो 30 में कौन सी पोजीशन है? अगर टॉप 30 में है, अगर टॉप 30 में है तो ये 29th पोजीशन पर है। ओके, वह इस सूची में शामिल होने वाले 6th इंडियन है, छठे भारतीय हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। भारत शीर्ष 30 की सूची में 6 खिलाड़ियों वाला देश बन गया है। सूची में 5 खिलाड़ी रखने वाला चीन जो है वो दूसरा देश है। सौरभ वर्मा इससे पहले साल 2012 में भी शीर्ष 30 में पहुंच चुके हैं। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। लोक सेवा के लिए इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारा प्रश्न है और सम्मानित किया गया है अरुण जेटली को। तो आंसर यहां पर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा बी है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली जो हैं, उनको लोक सेवा के लिए इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह में दिवंगत जेटली की पत्नी जो है संगीता जेटली, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अरुण जेटली की तस्वीर है, ये अमित शाह है जो पुरस्कार दे रहे हैं और ये है संगीता जेटली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली जो हैं, उनका हाल ही में अगस्त के महीने में निधन हो गया था। और जो नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, उसका नाम भी बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। अब आप आ जाइए 10वें प्रश्न पर। प्रसिद्ध बॉब विलिस, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप बताइए कि ये कौन से खेल से संबंधित थे? ये एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं अपने समय में। तो आंसर ए है। ये देखो, ये बॉब विलिस की तस्वीर है। बॉब विलिस इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं, एक तेज गेंदबाज थे। हाल ही में थायराइड कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है और ये करीबन 70 वर्ष के थे। पूर्व कप्तान बॉब ने अपने देश के लिए 90 टेस्ट मैचों में 325 विकेट लिए हैं और 1970-71 में 21 साल की उम्र में एलन वर्ड की जगह एशेज सीरीज के लिए टीम में इनको शामिल किया गया था। तो ये जानकारी थी इनके बारे में। और 1984 1984 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न। समरी कीवर्ड्स देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है कामयाब, हमने उपहार के रूप में दिया मालदीव को। स्वीडन का ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये 7 भारतीयों को दिया गया है। पीटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, इसके लिए एक अभिनेता को चुना गया है और उस अभिनेता का नाम है जैकविन फिनिक्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, ये एक सूचकांक है, तो इसमें भारत का रैंक क्या रहा है, ये प्रश्न था आज। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 5वीं रही है। स्विस गवर्नमेंट ने सिक्के जारी किए हैं उनके खिलाड़ी रॉजर फेडरर पर। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है भारत में 10 दिसंबर को। B2C कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत की जो रैंक है वो 73rd रही। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा जो है, ये वर्ल्ड जो लिस्ट है उसमें ये टॉप 30 में पहुंचे, 29th पोजीशन पर है। इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पब्लिक सर्विसेज 2019 के लिए मिला अरुण जेटली को। और बॉब विलिस जो कि एक क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। ये थे समरी कीवर्ड्स। अब आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। भारत में सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने किस टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में एक सिक्का लॉन्च किया है, ये दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और क्योंकि आज हमने पीटा से संबंधित प्रश्न किया है, पीटा का जो इंडिया का पीटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन चुने गए थे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।
ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न, और जो मुझे आपसे पूछने थे वो भी मैंने आपसे पूछे। आप इनके उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, जितना संभव हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप क्लिक करें। ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।